हे गाइस, मैं अंतरा आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज कौन सा दिन है, जी हाँ, संडे है और ये ब्लॉग आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अभी ससुराल में ही हूँ और ये मेरे घर के मतलब पीछे में एक रूम टाइप का मतलब सब जस्ट सटा ही हुआ है, बहुत डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं मछली बना रही हूँ। मछली बनाने के बाद मुझे बनाना है मटन। तो पहले मैं मछली को फ्राई कर लूँगी और मसाला ग्रेवी में जो भी होता है वो डाल दूँगी। और आपके साथ मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी मैं नहीं शेयर कर सकती। क्यों नहीं शेयर कर सकती बताइए? क्योंकि मैं तो यहाँ पे मतलब प्रॉपर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। और मछली का रेसिपी, मटन का रेसिपी, ये मैंने बहुत बार आप सबके साथ शेयर कर दिया है इस वजह से और मेरी तबीयत तो सही नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मेरा तबीयत सही हो जाएगा मैं आप सबके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करने वाली हूँ, बहुत कुछ अच्छा अच्छा वीडियो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपसे मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं, मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं मेरे लिए। मैं अपने लाइफ का हर एक पॉइंट ऑफ चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रखूँ, आपसे बातें करूँ। और जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे जाके आईडी पे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू बहुत छोटा सा वर्ड लगता है बट क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा मछली बन चुका है, मछली रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन। और ये जो साड़ी मैंने पहना है इसके बारे में आप लोग बहुत सारे कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे, आया था कि आपका साड़ी बहुत सुंदर लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरे हस्बैंड का पसंद का है तो मुझे काफ़ी पसंद है ये साड़ी। मतलब मैं जब दुकान में गए तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था बट राहुल जी बोले नहीं ले लो तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, और मैं ली और सच में बहुत सुंदर लग रहा है ये साड़ी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे मैं मटन बना लूँगी। मटन बनाने के बाद भी बहुत सारे काम है, मतलब कि आज मुझे बेड ठीक करना है अभी। तो अभी पहले मैं मटन बना के नहा लूँगी क्योंकि होता है ना हम लोग थोड़ा मीट मछली में थोड़ा सा हाथ वाथ धोना रहता है। तो चलिए मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ बेड। और मैंने आज पहना है सूट, इसलिए पहना है क्योंकि मैं साड़ी पहन पहन के मतलब थोड़ा सा थक चुकी थी, तो मैं सोची चलो सूट पहन लेती हूँ। और मैंने सूट पहन लिया, इसका ये मैचिंग जो प्लाजो है नहीं है, ये मैंने लोअर पहना है नीचे, बट इस पर सूट कर रहा था, मैंने पहन लिया। ईजिली लग रहा था काम वाम करने में क्योंकि थोड़ा सा इतना ज़्यादा काम हो चुका था कि भारी भरकर मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं पहनूं। और यहाँ पे मैं कैमरे की तरफ देख रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग जब खाने पीने से ब्लॉग स्टार्ट की थी, उसके बाद मैं स्टार्ट नहीं की थी बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग। तो गाइज़ प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मेरा बेड ठीक हो चुका है और मैंने सोची थी कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। और मैं नहा वहाँ के आ ही चुकी थी और कल मुझे अररिया भी निकलना है, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बाबू का हेयर कट हो चुका है, मैं आप सबको दिखाऊँगी किस तरीके से उसका हेयर कट हो, कैसा लग रहा है वो हेयर कट के बाद मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये सब काम करते करते दीदी आ गई थी, तो दीदी से फिर बातें करने लगी थी क्योंकि बाबू के मुंडन के दिन दीदी नहीं आ पाई थी, तो मैंने तो आज वो आई है क्योंकि उस टाइम पे उनको टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ राहुल जी, मैं और दीदी थे और बहुत सारे बातें करके रहते हम लोग, हंस रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी ब्लॉगिंग में दीदी को भी ले आती हूँ जब वो आई है तो, और आप सबको भी तो बताना इम्पॉर्टेंट बनता है ना कि दीदी आई हुई है। तो गाइज वीडियो फुल इन्जॉय कीजिएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एक बेल आइकॉन बटन आएगा, उसको प्लीज़ प्रेस जरूर कीजिएगा, उससे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास मिलेगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं एक ज्वाइन बटन जो मुझे मिला है उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं यहाँ पे अपने ससुराल में हूँ इस वजह से नहीं बना पा रही वीडियोज़, बट मैं वहाँ जाने के बाद, वहाँ मेरा ये काम रहता है कि यहाँ आफ्टरनून में वीडियोज़ बनाना, यहाँ नहीं बना पा रही हूँ बट मैं जल्दी जाके वहाँ बनाऊँगी। और मैं अब दिखाती हूँ बाबू का हेयर कट, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मेरा शोना का हेयर कट। और वो ऐसे बोल रहा था, मैं सोची थी ओरिजिनल आवाज़ रखूँगी बट पापा टीवी देख रहे थे ना, तो इस वजह से मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं रख पाई। और यहाँ पे बाबू को देख सकते हैं कुछ बोल रहा है वो, और ये हेयर कट के बाद कैसा लग रहा है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरे भांजा है, ये मेरी भांजी है बगल में, और पापा बैठ के टीवी देख रहे थे हॉल में। तो चलिए गाइस मैं खाना वाना खा लेती हूँ, दीदी जा चुकी है, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ, करूँगी थोड़ी बहुत बातें आपसे। तो हमारा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट, बहुत ज़्यादा ठंड है, अपनी दीदी आई थी, चली जा चुकी है दीदी,
और सच बताओ इतना तेज वाला ठंड है कि मैं क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं सोची कि दीदी चली जाएगी खा पी के, तो मैं आराम से आपसे बातें करूँगी। दीदी जा चुकी है, आज मैंने बहुत कुछ शेयर नहीं किया, बट कल मैं अररिया निकलने वाली हूँ सुबह में, तो वहाँ जाने के बाद अच्छे से शूट हो पाएगा। आप यहाँ समझ सकते हैं कि आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा मेरी बात। आप समझ सकते हैं कि यहाँ वीडियो मतलब कोई आ जाना और बातें कर लेना, मैं अरे मुझे भी मैंने तो ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसा हो जाता है। और यहाँ राहुल जी मिठाई ले ले देख रहे हैं जो दीदी लेके आई है, क्योंकि वो जो ले मिठाई देखे स्टेप से, हाँ इसी के बाद हम बोल रहे थे हम भी शायद, तो हम खुद देखेंगे तभी पहचान पाएंगे। दिखाई तो हमको जो कितना पैकिंग है ना सान्या, कितना पैकिंग है, किसके लिए पाई लेके आया है? मामा के। क्यों मामा? तो मामा के लिए तो बड़े ग्लास में पानी सान्या, मामा का इतने बड़े ग्लास में पानी 750। ये मिठाई का डब्बा नहीं लगता है मिठाई में, इतना उनको फोन करके बोले कि इतना प्लास्टिक क्यों से पैक, हमको दिखाई। अरे तो हम भी तो इसी के बारे में बोल रहे थे, इसमें छेना रहता है, छेना रहता है इसमें, उस जगह फेमस चीज है ये, खाइए। तो बस हो चुका है, खाना खाया जा रहा है, तो मैं नहीं, मैं हम अभी नहीं खाएंगे, आप खाइए और रस उस पर मत गिराइए यार, मोनी दी को दे दीजिए। मुन्नी दी को मिठाई खिलाना है, मुन्नी दीदी बुला रहे। और बस हो चुका है सारा काम का प्लेट, कल सुबह जाना है, उसके लिए पैकिंग थोड़ा बहुत बाकी है। जब मुन्नी दी को मुन्नी दी है और मैं सोची कि बाबू का तबीयत भी सही नहीं था, मैं बाबू को आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि बाबू का हेयर कट हो चुका है, मैंने दिखाया आप लोगों को, आप लोगों ने देखा और मतलब काफ़ी क्यूट लग, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा लगेगा बट बाबू बहुत क्यूट लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाबू को देख के। और फाइनली मुंडन का काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए जैसे लग रहा था मुंडन नहीं हो पाएगा, और बात है 2 मिनट 41 सेकंड हो गए। तो चलिए मैं फटाफट वीडियो नहीं मतलब फटाफट मैं बैड को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अब सोने वाला टाइम आ चुका है, तो सोना भी है, ब्लॉगिंग को भी एडिट करना है, आप तक सब तक पहुँचाना है ये वीडियो। और आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई, क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, मेरी सुबह से बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं, बिल्कुल भी तबीयत सही। आप यहाँ पे दवाई देख सकते हैं, कितना सारा दवाई है, समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं बैठ ठीक कर लेती हूँ और मिलूँगी कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी आप सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।